तो अगर आपको भी ऐसी कुरकुरी और करारी खस्ता प्याज की कचौरी बनानी है, बिल्कुल रावत वाली जो मार्केट में मिलती है जयपुर के, तो चलिए फिर बने रहिए मेरे साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन अरोमा किचन। और आज हम बनाने जा रहे हैं जयपुर की मशहूर प्याज की कचौरी। इसके जो आप साइड में देख रहे हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपके संग सारे टिप्स और ट्रिक्स इसके शेयर करने वाली हूँ कि कैसे खस्ता करारी बढ़िया मार्केट स्टाइल की आप कचौरी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम फिलिंग बना लेते हैं। फिलिंग के लिए मैंने 4 चम्मच ऑयल ले लिया था, रिफाइंड ऑयल, और इसके अंदर थोड़ी सी हींग डाली, थोड़ा सा जीरा डाला और चुटकी भर कलौंजी डाल दी। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हरी मिर्चें, कटी हुई हरी मिर्चें। डालने से इस वक्त क्या होगा कि इसकी तेज़ी निकल जाएगी और इसका फ्लेवर आपकी कचौरी में बरकरार रहेगा। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ क्रश सौंफ, मेरे पास क्रश सौंफ थी वो मैंने डाल दी है। और साथ में इसके मैं क्रश धनिया डालूंगी। अगर बाई चांस आपके पास क्रश चीज़ें नहीं हैं तो आप थोड़ा सा एक एक दो दो चम्मच जो है उसको सौंफ को और साबुत धनिया को थोड़ा सा पैन में सौते कर लें, गर्म पैन में, और उसको फिर मिक्सी में दर दरा पीस लें। इतना बढ़िया फ्लेवर आएगा ना आपकी कचौरी में कि अभी भी मेरा किचन महक रहा है इससे। और बस अब उसके बाद हमने डाल दिया इसके अंदर प्याज, कटी हुई प्याज। मैंने 4 से 5 प्याज थी मीडियम साइज़ की, वो ले ली थी, वो डाल दी हैं। और अब उसके अंदर मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक और इसको 3 से 4 मिनट तक सौते कर लेंगे जिससे कि प्याज अपना पानी छोड़ दे। और अब इसके अंदर सारे मसाले डालेंगे, जैसे मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी है इसके अंदर। उसके बाद मैं डाल दूँगी लाल मिर्ची, थोड़ा सा आप इसके अंदर गर्म मसाला भी डाल सकते हैं इसी वक्त पर, और डाल के इसको अच्छे से आप भून लें। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर बेसन। बेसन डालने से क्या होता है, एक तो आपकी जो कचौरी होती है ना उसके अंदर बहुत अच्छा सा सोंधापन आ जाता है, टेस्ट जो है उसका अलग ही एक लेवल पे चला जाता है। तो ये डाल देते हैं, ये बाइंडिंग देगा आपकी फिलिंग को। और इसको अच्छे से हम भून लेंगे, 2 से 3 मिनट भूनेंगे। और अब देखिए जब आपका तेल थोड़ा सा ऊपर आने लगे ना, आप समझिए आपका जो बेसन है वो भुन गया और बड़ी सोंधी सी खुशबू आने लगेगी। और अब मैंने इसके अंदर डाल दिया मैश पोटैटो। मेरे पास बड़े साइज़ का पोटैटो था तो मैंने सिर्फ एक ही आलू डाला है बॉयल करके और उसको अच्छे से मैश करके डाल दिया। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 2 भी डाल सकते हैं। ये भी एक काम यही करता है कि आपकी जो फिलिंग है उसको बाइंडिंग का टेस्ट देता है। 3 से 4 मिनट के लिए इसको भून लें अच्छे से। जब वो भून जाए तो अब इसमें मैंने डाली है इसमें चीनी। आप खट्टा मीठा जो टेस्ट आता है ना वो इसी से आता है। मैंने चीनी डाली, धनिया डाला, अदरक डाल दी, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें नींबू का रस। 2 मिनट इसे चलाऊँगी और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख दूँगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी फिलिंग बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए कचौरी में फिल करने से पहले। और अब खस्ता कचौरी कैसे बन रही है, मलवाई जैसी खस्ता कचौरी बनानी है तो वो कैसे बनेगी आप वो देखिए। उसके लिए मैंने 1/2 किलो मैदा ले ली थी, उसमें 1 चम्मच मैंने नमक डाला। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर अजवाइन। अजवाइन हमेशा हथेली पे क्रश करके डालिए अच्छे से, मसल के डालने से उसके फ्लेवर्स बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं कि आटा और नमक, आटा और आटे के अंदर नमक और अजवाइन बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे 125 ग्राम तेल। तेल का सीधा सा हिसाब होता है कि आप 1 किलो मैदा के अंदर 250 ग्राम, तो 1/2 किलो में 125 ग्राम आप आराम से डालिए। और डाल के इसको बहुत अच्छे से हाथों से रब करके मिक्स कर लीजिए, क्योंकि यही एक तरीका है जो आपकी टिप है जो मैं आपको बता रही हूँ, जिससे कि आपकी जो कचौरी है वो बहुत खस्ता बनने वाली है, कि आपका बिल्कुल एक सार आटा हो जाना चाहिए। देखिए रब करके बहुत अच्छे से, थोड़ा सा मेहनत लगती है पर एंड रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और आप देख लीजिए, आपको मुयन चेक करने का तरीका ये है कि हाथ में मुट्ठी बनाइए आटे की और उछाल कर देखिए। अगर वो नहीं टूटता इसका मतलब आपका मुयन बिल्कुल ठीक है, और अगर वो टूट जाती है मुट्ठी आपकी तो आपको उसको थोड़ा सा ऑयल डालने की और ज़रूरत है। और बस हमने जो इसका डो बनाना है वो हमें सॉफ्ट बनाना है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें इसका जो डो है वो बिल्कुल जैसे रोटी का डो बनता है ना थोड़ा सॉफ्ट वाला, वैसे ही बनाना है। उससे भी थोड़ा सा आप थोड़ा सा सॉफ्ट बनाए तो और भी अच्छा होगा, तो आपकी जो कचौरी है ना वो बहुत खस्ता फूली फूली और अंदर से कुरकुरी बनेगी। तो बस ये मेरे को आटा मांड लेना है, मैंने आटा मांडना शुरू कर दिया है। इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि मेरे को अच्छा सा आटा बनाना है, चिकना आटा बनाना है, तो 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको मांडा। और देखिए कितना चिकना आटा, सॉफ्ट, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट आटा है मेरा, वो बन के तैयार हो गया। और इसको 1/2 घंटे के लिए हम ढक कर रख देंगे, उससे हमारा आटा फूल जाएगा और जब हम कचौरी बनाएंगे तो बहुत बढ़िया बनेगी। इधर मेरी फिलिंग ठंडी हो चुकी है और मैंने इसको बिल्कुल लेमन साइज़ के बॉल्स बनाने शुरू कर दिए हैं। जो छोटा नींबू होता है उसी साइज़ के आप इक्वल बॉल्स बना लीजिए और इसको बनाकर रख लीजिए। अब देखिए कितनी अच्छी बाइंडिंग है कि मेरे बॉल्स कितने अच्छे से बन रहे हैं, इसका मतलब इसमें बेसन और आलू कितना बढ़िया से मिल गया है। और 1/2 घंटा हो चुका है, देखिए मेरा आटा कितना अच्छे से बन के तैयार हो गया। इसको 2-3 मुट्ठी देने के बाद मैं इक्वल साइज़ के पेड़े बना लूँगी, जैसे हम रोटी के पेड़े बनाते हैं वैसे मैं पेड़े बना लूँगी। अभी आपका मन है कि अगर आप बड़ा कचौरी बनाना चाहते हैं, बड़ी कचौरी चाहते हैं तो आप डोसा थोड़ा बड़ा लीजिए, और छोटी कचौरी चाहते हैं तो डो छोटा लीजिए। वैसे
वैसे आधा किलो के अंदर मेरी तो शायद 16-17 कचौड़ियाँ बन गई थी, तो आपके ऊपर डिपेंड करेंगे कि आप कितना साइज़ लेते हैं और आप इसको हम भर लेंगे। मैंने क्या किया, एक लोई का पेड़ा लिया, उसको हल्का सा बेलन से बेला और जैसे भरवा आटे के अंदर भरवा पराठे का हम फिलिंग करते हैं, सेम ऐसे मैंने बीच में उसकी फिलिंग रखी और चुन्नटे देकर उसको फोल्ड उसको जो है इसके अंदर दबा दिया। और देखिए चुन्नटें मेरी खुली, ये देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी जो फिलिंग के बाद जो चुन्नट है पीछे वो खुली नहीं है, अगर वो खुल जाएगी तो आपकी कचौड़ी फ्राई करते हुए फट जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। और दूसरा तरीका है, बस हाथ से आप अपना पेड़ा लीजिए, उसे थोड़ा सा दबा दीजिए, फ्लैट कर दीजिए, उसमें फिलिंग रखिए और भर के उसको चुन्नटें देकर फिर से जैसे हम प्लेट्स देते हैं प्लेट्स देकर और इसको बस पिंच कर दीजिए और दबा दीजिए। और देखिए कितनी बढ़िया आपकी कचौड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं। तो मेरी सारी कचौड़ियाँ मैंने भर के, और बस अब मैं फ्राई करने के लिए मैंने क्या किया था, तेल ले लिया था, रिफाइंड तेल लिया था और उसको थोड़ा मैंने गरम कर दिया था। जब वो गरम हो गया तो 2-4 मिनट के लिए इसको बंद कर दिया। जब वो मीडियम हीट पर आया अब मैंने अपने इसके अंदर कचौड़ियाँ डालनी शुरू की हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा सा तेज है जब हम गरम करते हैं तो आउटर कवरिंग जो है उसकी एक कोटिंग ले लेती है। उसके बाद इसको सिम से और मीडियम पर, मीडियम से सिम, सिम से मीडियम, ऐसे आप करते रहिए और आपकी कचौड़ी इतनी बढ़िया गोल्डन और करारी कुरकुरी अंदर से बन के तैयार हो जाएगी ना। थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी आपको, ये तो ज़रूर है, क्योंकि अगर आपको कुरकुरा और बढ़िया खाना सबको खिलाना है, मस्त कचौरियाँ सबको खिलानी है और वाहवाही लूटनी है, तो थोड़ी पेशेंस तो रखनी पड़ती है। और बस अब देखिए 20-22 मिनट के अंदर मेरी कचौरी कितनी बढ़िया बनके तैयार हो गई है और इसको मैं एक एब्जॉर्बेंट पेपर के ऊपर निकाल के और रख लूँगी। अब सर्विंग इसकी आप किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं। अच्छा ये बात भी है कि इन कचौरियों को आप काफ़ी दिन बनाकर रख सकते हैं। मेरी तो कचौड़ी मैंने बनाई थी होली पर बनाई थी और उसके 4-5 दिन तक आराम से मेरी कचौड़ी बनके और वैसी मस्त रही थी। और ये देखिए अब ये मैं इसको आपको दिखा देती हूँ कि काट के कितनी बढ़िया फिलिंग अंदर तक हुई हुई है आपकी, ये देखिए कितनी बढ़िया है। अच्छा कचौड़ी मैंने एकदम गरम गरम काट दिया तो इसलिए थोड़ी सी आपको ऐसी लग रही होगी, बट अंदर तक जब थोड़ी सी आप वेट करेंगे तो अंदर तक वो सिक जाती है, क्योंकि कुकिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ी देर तक चलता रहता है। और बस अब मैं इसको आलू की सब्ज़ी के साथ सर्व कर रही हूँ और इसकी भी रेसिपी मैं डाल दूँगी। अभी तो मैं नहीं डाल पाई हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिला, बट मैं इसको ज़रूर डाल दूँगी और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको इसका लिंक दे दूँगी तो आप उसको देख सकते हैं। और देखिए इसको मैं सर्व भी बिल्कुल मार्केट स्टाइल से ही कर रही हूँ, दोनों में कर रही हूँ, क्योंकि आपने देखा है ना रावत की कचौरी जब आप खाते हैं तो वो दोनों में ही आपको सर्व करता है। तो बस तो ये देखिए ये मैंने इसकी जो कचौरी है इसको मैंने बिल्कुल ही उसके अंदर दोनों में सर्व किया। अब देखिए ये लोग क्या मेरे को जवाब देते हैं, खाकर बताओ मुझे कैसी बनी है, कैसी बनी है मनी? बढ़िया, बहुत अच्छी, मस्त मस्त मनी। तुम्हारे स्पेशल कमेंट्स, राजस्थानी कचौरी है ऑलमोस्ट वैसी है जैसे राजस्थान में होती है, सेम टेस्ट। ओह माय गॉड, थैंक यू आंटी। आपको कैसी लगी? बहुत टेस्टी। सलोनी, बहुत अच्छी, थैंक यू सो मच। तो फिर अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब बोलो मिलके साथ साथ एंड सब्सक्राइब करें और बेल के दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।